प्यारे नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने DLED थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंतर्गत आज चैप्टर चार स्टार्ट होने वाला है। यानी इससे पहले हमने चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, ये तीनों चैप्टर आपको कम्प्लीटली करा दिए हैं। इनके सभी कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल्स को, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आए उनको सभी को मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप पहले के वीडियो देखना चाहते हैं, ये चैप्टर तीनों जो आप निकल चुके हैं आप उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी आपको DLED तृतीय सेमेस्टर के नाम से, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस उपलब्ध हैं। आज चैप्टर नंबर चार होने वाला है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिमांडिंग चैप्टर है ये, और जिसके अंतर्गत आप बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के अंतर्गत अगर आपको पहले प्रॉब्लम फेस होती थी क्वेश्चन करने में, तो आज के बाद अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर चार के अंतर्गत, तो देख सकते हैं सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एवं चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसकी हम संकल्पना देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ब्याज जो साधारण ब्याज है उसका सूत्र सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन का सूत्र और उसके प्रयोग सीखेंगे कि उसको हम किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट की अगर आपसे कोई परिभाषा लिखवाए तो किस तरीके से लिखोगे साधारण ब्याज। तो देखिए सरल ब्याज वह धन है जो कि पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बदले किसी निश्चित दर से के अनुसार पूंजी के स्वामी को प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए उधार, 2% की आपसे रेट लगवा दी कि 2% पे हम दे रहे हैं इसको, और हमने जब दिए और आपने कहा कि हमें 1 साल के लिए रुपए चाहिए। ठीक है, तो जब 1 साल के लिए पैसे चाहिए, 1 साल के बाद जब मैं आप हमें पैसे लौटाओगे तो 100 तो हमारा मूलधन लौटाओगे जो मैंने आपको दिया हुआ है, उसके बाद कुछ हमें आप ब्याज लौटाओगे, जो मेरा ब्याज बनेगा वो आप हमें क्या लौटाओगे, हमारा ब्याज लौटाओगे। तो यही होता है, ये हो जाएगा आपका मिश्रधन, और जो ब्याज देते हो उससे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, साधारण ब्याज बोलते हैं। अगर ब्याज ब्याज अगर आप दे रहे हो तो वो साधारण ब्याज कहलाएगा आपका, और अगर आप मूलधन भी जोड़ के दे दे रहे हो तो वो आपका क्या कहला जाएगा, मिश्रधन कहला जाएगा, क्योंकि आपने उसे मिश्रित करके दिया हुआ है, यानी आपका मूलधन भी आपने दिया हुआ है और साथ में ब्याज भी दिया हुआ है, तो मिश्रधन कहलाएगा। ब्याज ब्याज दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, वही यहाँ पे आप लिखा हुआ है। जब किसी मनुष्य को रुपए की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए हमें पैसे की जरूरत है, तो उसे किसी महाजन या बैंक आदि से रुपया उधार लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पैसे की जरूरत है तो हम या तो हम किसी से, मान लीजिए अपने पास पड़ोस में किसी व्यक्ति से जो कि सेठ है, पैसे वाला है, उससे हम पैसे लेके आएंगे, या तो हम जाएंगे बैंक के पास, तो वहां से हम पैसे लेके आएंगे। उस धन के बदले में कुछ अतिरिक्त रुपया महाजन या बैंक वाले को दिया जाता है। यह जो अतिरिक्त राशि होती है वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो हम अतिरिक्त देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये उधार लाए और हमने कुछ महीनों बाद या साल बाद हमने 20 रुपये मान लीजिए दे दिए एक्स्ट्रा, हमने ब्याज के रूप में दिए, ये ब्याज हमने दिया, ये हमने उसका मूलधन में लौटाऊंगा जब मेरे पास हो जाएंगे, तो मान लीजिए हमने ये ब्याज दिया, तो यही साधारण ब्याज है आपका। जब कोई बैंक में जब धन जमा करता है, किया जाता है, तो बैंक में जमा करने वाले को उस धन पर ब्याज दिया जाता है। आपको पता होगा जब हम मान लीजिए सेविंग अकाउंट अपना खुलाते हैं बैंक में जा करके, तो सेविंग अकाउंट के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, हमें ब्याज मिलता है। जो कौन देता है, जो हमें बैंक वाले देते हैं। अब बैंक वाले हमें क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि बैंक के पास हम अपना पैसा रखे आते हैं। जब हम पैसा रखे आएंगे तो बैंक वाले हमें उसके अवज में कुछ हमें पैसा जो इंटरेस्ट देते हैं एक्स्ट्रा, वो हमें देना पड़ेगा उन्हें, क्यों, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पे जमा है, तो वो कुछ सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट देते हैं, तो
तो बैंक वाले, अगर हम पैसे बैंक में जमा करके आते बैंक वाले भी हमें इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक में जमा करने वाले को उस धन पर कुछ ब्याज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कुछ ब्याज का अभिप्राय सरल ब्याज से होता है। यहाँ पर जो वो देते हैं बैंक वाले, वो सरल ब्याज ही देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देते हैं। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मैं आगे आगे समझाऊंगा आपको, अभी सिंपल इंटरेस्ट आप समझ लीजिए। तो ये होता है ब्याज। ब्याज की अवधारणा आपकी क्लियर हुई, अब देखते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं मूलधन। तो मूलधन का मतलब हो गया, हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमारा मूलधन होता है। जो धन उधार लिया लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपये आपको दे दिए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। क्या? मूलधन कहलाएगा। और इसी पर मान लीजिए 1 वर्ष बाद हमें 10 रुपये आप मतलब ब्याज के रूप में दे रहे हो, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, जो 10 रुपया मिलेगा हमको, मान लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा मूलधन होता है, जो कि हम करंट में आपको पैसे देते हैं वो हमारा मूलधन होता है। अब मिश्रधन क्या होता है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त राशि ही मिश्रधन कहलाती है। तो हमने कहा जैसे ये आप यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। हमने बताया कि आपने अगर 100 रुपये लिए, उसके बाद 20 रुपये आपने ब्याज के रूप में दे दिए, तो इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे ना, तो आपका क्या निकल के आएगा? तो आपका मिश्रधन निकल जाएगा, मिश्रधन। तो हमें मूलधन और हमें ब्याज में जोड़ना होता है, तो वो हमारा मिश्रधन बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जिसे आप आसानी से आप समझ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे रेट क्या होती है, दर क्या होती है, दर के बारे में जानेंगे। तो 100 रुपये के 1 वर्ष के ब्याज, यानी 100 रुपये पर जो 1 वर्ष में हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पर, यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट परसेंट पर एनम, यानी 1 साल पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, को ब्याज की दर कहते हैं। यानी 100 रुपये पर 1 वर्ष के बाद हमें जो, यानी जो हमें इंटरेस्ट पर जो पर एनम हमें जो रेट लगाई जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है? दर कहलाती है, ब्याज की दर। अब जो ब्याज की दर होती है उसे हम क्या लिखते हैं? रेट परसेंट भी कहते हैं। ब्याज की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? रेट परसेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्याज की दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट परसेंट बोलते हैं। यहाँ अब देखेंगे समय के बारे में, समय क्या होता है। तो समय देख सकते हैं यहाँ पे, टाइम जिसे बोलते हैं, जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया जाता है या दिया जाता है किसी को, उसे हम समय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये थे और हमने आपको 1 साल के लिए दे दिया, 1 साल के लिए उधार दे दिया, तो ये 1 साल जो है इसे ही हम समय बोलेंगे, कि 1 साल हमें समय मिला है कि 1 साल के बाद हमें अपना जो पैसा हमने उधार लिया हुआ उसे हमें लौटाना दूसरे बंदे को। तो जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया जाता है, यानी एक निश्चित अवधि होती है कि हमने 2 साल के लिया, 3 साल के लिया, 10 साल के लिया, 5 साल के लिया, तो वो जो अवधि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या अवधारणा क्लियर करी? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना आपने, फिर आपने प्रिंसिपल के बारे में जाना, प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है, उसके बाद आपने रेट के बारे में जाना, रेट के बाद आपने टाइम के बारे में जाना, और टाइम के बाद अभी आपने ये टाइम जान लिया, और यहाँ पर आपने जो आपका मिश्रधन होता है, जो अमाउंट होता है टोटल मिलके आता है, उसके बारे में जाना। यहाँ पे हमने 5-6 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली, जो कि इसके कोर कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसके जो संकेत होते हैं, जो नोटेशंस होते हैं, सिंबल होते हैं, वो क्या होते हैं? तो देखिए संकेत या प्रतीक, संकेत को नोटेशंस बोलते हैं और प्रतीक को सिंबल बोलते हैं। सूत्र में प्रयोग करते समय निम्नलिखित संकेत प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मूलधन होगा, मूलधन को प्रिंसिपल इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और जब प्रिंसिपल लिखते हैं तो इसका पहला लेटर पी उठा लिया जाता है, तो हम प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं? पी से। मिसधन होता है अमाउंट जिसे बोलते हैं, तो इसका पहला लेटर उठा लेंगे हम ए, यानी अमाउंट हो जाएगा हमारा ए। जब हम सूत्र में लिखेंगे तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। टाइम के लिए हमने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ TIME, तो टी हमने उठा दिया पहला लेटर, तो यहाँ पर टाइम के लिए टी का प्रयोग करेंगे। दर प्रतिशत तो होती है रेट परसेंटेज, तो रेट परसेंट में पहला लेटर कौन आया कैपिटल, देख सकते हैं आर आया, तो आर हम यहाँ से उठा लेंगे, रेट परसेंटेज के लिए आर प्रयोग करी जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, उसमें से देखो सिंपल से एस उठा लिया है और
इंटरेस्ट से आई उठा लिया, या हम आई लिख सकते हैं या एस आई लिख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से इनके ये शॉर्ट में हम लिखते हैं, इनको संकेत रूप में इस तरीके से लिखते हैं। तो आप जैसे ही मैं पी लिखूंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रिंसिपल लिखा है। बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब पेपर में आप लिखें तो शॉर्ट ना लिखें, क्योंकि आपको वहाँ पर जब मान लीजिए आप ये डीएलएड करते हैं तो 1 से लेकर 5 तक के आप टीचर बनते हैं। अब टीचर बनते हैं तो आप बच्चों को शॉर्ट में नहीं समझाएंगे, आपको लॉन्ग में समझाना होता है, लॉन्ग में लिखना होता है। तो आप पूरा ही प्रयोग करें और उन्हें शॉर्ट में भी बताएं, ताकि भविष्य में जाकर के उनको ये चीज़ अवगत रहे। तो आपको पेपर में शॉर्ट में नहीं लिखना होता है, आपको विस्तार में बताना होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ ध्यान देने योग्य बातें, नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक समय अवधि में ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है तो वह ब्याज सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब मान लीजिए, कैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि हमने 100 रुपये आपको दिए, ठीक है, 100 रुपये आपको दिए, 100 रुपये के बाद 1 साल के बाद हमें आपने 10 रुपये ब्याज के रूप में दिए, यानी अब हमें आपने दे दिए 110 रुपये, 110 रुपये दे दिए। या मान लीजिए आपने 110 रुपये नहीं दिए, अब आप पे 110 रुपये हो गए मेरे टोटल, 110 रुपये। अब मैं 110 पर आपको ब्याज नहीं लूंगा, मैं फिर भी 100 पर ही आपको आगे भी ब्याज लूंगा, यानी मूलधन पर ही हम नेक्स्ट ईयर, यानी जैसे मान ली फर्स्ट पहली ईयर का हमने मूलधन पे ब्याज लिया, फिर जो हमारा मिसधन आया उस पर हमने मिसधन पे नहीं लिया, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ये मिसधन है, मिसधन पे हमने नहीं लिया इंटरेस्ट, हमने फिर मूलधन पे इंटरेस्ट लिया। जब हर बार मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है तो उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप देख सकते हैं। जब साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, और जब पेपर में आप लिखें तो ऐसे ही लिखें, हिंदी में ही लिखें, इंग्लिश में ज़्यादा अंग्रेज ना बने, क्योंकि जब आप हिंदी में ही लिखते हैं, समझा कर लिखते हैं, तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, सही मिलते हैं, एग्जैक्ट नंबर मिलते हैं आपको। अब वहाँ पर इतने अंग्रेज मत बनना, जैसे एस आई बराबर PRT/100 इस तरीके से लिखते हो आप, बट इसे लिखना मत, एस आई बराबर PRT/100 लिख सकते हो, बट आप इसे हिंदी में ही लिखना, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, आप हिंदी में ही लिखना इसको, आप इंग्लिश में ज़्यादा अंग्रेज मत बनना, ठीक है। यहाँ कहा भी हुआ है अथवा में आप देख सकते हैं कि एस आई बराबर PRT/100, बट आप इसे हिंदी में ही लिखना, इसे हिंदी में प्रीफर करना, मैं हिंदी में ही आपको इसकी सलाह दूंगा। नंबर 2 देख सकते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये मैंने आपको बता दिया, इसे हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश में लिख सकते हो A/P+SI, क्योंकि P होता है प्रिंसिपल, SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, और A होता है आपका अमाउंट, अथवा ऐसे लिख सकते हो, बट आपको हिंदी में लिखना है, मैं यही सलाह देना चाहूंगा आपको, आपको हिंदी में ही लिखना है। आगे इसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अथवा मिसधन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ एस आई का फॉर्मूला खोल दिया इन्होंने, यानी साधारण ब्याज का ये पूरा फॉर्मूला खोल दिया, आप भी खोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एस आई का फॉर्मूला खोल दिया है, आप ये जो लिखा हुआ है ना, ये 1+R दर इंटू समय बट्टे 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका एस आई का फॉर्मूला खोल के आपको कॉमन मूलधन ले लिया है। मैं आपको समझा सकता हूँ, देखिए मैं किस तरीके से, देखिए अभी मैं समझा दे रहा हूँ इसे किस तरीके से खुला हुआ, देखिए तो पहले क्या लिखा हुआ है मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इधर इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे हमने लिखा मिसधन, मिश्र धन, मिश्र धन, जब हमने मिसधन लिखा तो बराबर में क्या लिखेंगे, मूलधन, मूलधन प्लस में ब्याज लगेंगे, ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस में ब्याज लिख दिया हमने। अब हमें जैसे मिसधन निकालना है तो बराबर में क्या लिखेंगे, मिसधन, तो मिसधन ही मतलब मूलधन, तो मूलधन ही रहेगा, मूलधन, मूलधन प्लस इस ब्याज को क्या लिख सकते हैं, मूलधन, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, समय बट्टे में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और वहीं पर यहाँ पर इस हमने मिसधन को कॉमन ले लिया है, तभी मिसधन की जगह बना गया था वहां पे, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे इसे
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मूलधन था उसे हमने कॉमन ले लिया है, और फिर बाद में क्या रह जाएगा, ये कोष्टक में रह जाएगा 1 + दर × समय/100। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिए आराम से, बाद में फॉर्मूला खोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इनके ये समझ लीजिए, सभी कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा, उसके बाद बारी बारी से आपके सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ और वो भी डीएलएड में अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।